नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुर्गी को वैक्सीन लगाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि जिस भी बीमारी के लिए आप वैक्सीन को लगा रहे हैं वो उस बीमारी के लिए 100% वैक्सीन काम में आए। क्योंकि दोस्तों, जो भी नए किसान काम से जुड़ते हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होने के कारण वो वैक्सीन तो लगाते हैं मुर्गी में, लेकिन कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से, जिस भी कारण से वो वैक्सीन लगा रहे हैं मुर्गी में, वो वैक्सीन फिर उस काम के लायक नहीं रहता है या फिर वो पूरा पूरा वैक्सीनेशन वेस्ट चला जाता है। तो यही छोटा सा गलती आगे चल के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नुकसान का साबित हो सकता है। जैसे अगर आप रानीखेत का वैक्सीन लगा रहे हैं और अगर दोस्तों वो वैक्सीन आप सही से नहीं लगाने की वजह से वो बिल्कुल वेस्ट चला जा रहा है, तो दोस्तों आगे में फिर अगर आपके बैच में रानीखेत बीमारी आ जाता है तो दोस्तों पूरा का पूरा बैच का मॉर्टेलिटी हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आपको वैक्सीन लगाने से पहले या फिर वैक्सीनेशन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसमें से सबसे पहला है वह है दोस्तों, जब भी आप वैक्सीन खरीदने जाओ तो कोई भी एक अच्छे रेपुटेड वेटनरी शॉप से ही वैक्सीन को खरीदें। और वैक्सीन को खरीदने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, वो है कि वैक्सीन कहाँ पर रखा हुआ है। यानी अगर वैक्सीन रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रीज में रखा हुआ है, आपका वैक्सीन बिल्कुल चिल्ड है, ठंडा है बॉटल, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोस्तों वैक्सीन को बाहर रखा गया है, आप वैक्सीन को ले रहे हो और देख रहे हो बिल्कुल भी वो बॉटल चिल्ड नहीं है फिर ठंडा नहीं है, तो उस वैक्सीन को ना ले। क्योंकि वैक्सीन में लाइव बैक्टीरिया मौजूद होता है, तो वो उसको अगर आप फ्रीजिंग टेम्परेचर या फिर कम टेम्परेचर में उसको अगर स्टोर नहीं करते हैं तो वो लाइव बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। बाहर में अगर रख देंगे तो वो बैक्टीरिया सारा का सारा ख़त्म, अगर वो वैक्सीन आप लगाते हैं तो वो बिल्कुल वेस्ट जाएगा, कोई काम नहीं आएगा वो वैक्सीन। इसके बाद दोस्तों, जब आप वैक्सीन को खरीद के लाओगे, अगर आपको दूर पड़ता है यानी आपके घर से वेटनरी शॉप से अगर थोड़ा डिस्टेंस में है, तो वैसे में जब आप लाओगे वैक्सीन को तो आप उसको बर्फ़ में ही डाल के लाइएगा। उसके बाद अगर आप तुरंत मुर्गी पे इस्तेमाल कर देते हैं घर आने के बाद तो ठीक है, या फिर अगर आप बाद में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज में ही उसको डाल के रखना होगा, ताकि दोस्तों वैक्सीन ख़राब ना हो जाए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जिस बात को आपको ध्यान देना है वह दोस्तों वैक्सीनेशन करने का जो सही टाइम है वह है सुबह या फिर शाम को। दोपहर के टाइम आप बिल्कुल भी वैक्सीन मुर्गी को ना लगाएं, क्योंकि दोपहर के टाइम दोस्तों टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है यानी गर्मी रहता है, तो उस दौरान अगर आप वैक्सीनेशन कर देंगे मुर्गी में तो मुर्गी में दिक्कत आ सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको जिस बात का ध्यान देना है वो है मुर्गी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। यानी जब भी आप वैक्सीन लगाओगे मुर्गी में तो उस दौरान आपकी मुर्गी बीमार नहीं होना चाहिए। और आप जब भी वैक्सीन को इस्तेमाल करेंगे, जैसे अगर आज आप वैक्सीन लगाएंगे मुर्गी में, तो आज से लेकर 24 घंटा पहले और आज से लेकर 24 घंटा बाद कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिन या फिर कोई भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आपको करना है वह है, जिस भी टाइम आप मुर्गी को वैक्सीन लगाओगे उससे एक से लेकर डेढ़ घंटा पहले बिल्कुल भी पानी का बर्तन हटा देना है। यानी एक से लेकर डेढ़ घंटा बिल्कुल प्यासा रखना है। तो इससे क्या होगा, जब आप मुर्गी को वैक्सीन पीने के लिए दे दोगे पानी में मिला के, तो मुर्गी बहुत ही जल्दी पी के ख़त्म कर देगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, जितना भी आपके पास मुर्गी है, जितने भी मुर्गी में आप वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, आपको बस एक बात का ध्यान देना है, आप इतना पानी इस्तेमाल करें यानी वैक्सीन को इतने पानी में मिलाएं वो पानी एक घंटे में मुर्गी पी के ख़त्म कर दे। क्योंकि दोस्तों जितना देर तक पानी बाहर रहेगा यानी जितना देर तक पानी पड़ा रहेगा उतना पानी गर्म होता जाएगा, और पानी अगर गर्म हो गया तो जो वैक्सीन आप मिलाए हो वो वैक्सीन का जो लाइव बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे मरने लगता है यानी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या करना है, जब आप वैक्सीन को पीने के लिए दे रहे हैं तो आप देखोगे मुर्गी एक जगह बैठी रहती है, तो उस दौरान यानी एक घंटा जो आपका रहेगा टाइम, उस दौरान मुर्गी को समय समय पर कोने से हटाना है, यानी जहाँ पर भी एक जगह बैठे रह रही है उसको भगाना है। तो वैसे क्या होगा, सारे मुर्गी को वैक्सीन मिल पाएगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट में जब आपकी मुर्गी वैक्सीन मिलाया हुआ पानी जो है वो पी के ख़त्म कर देगी एक घंटे में, फिर आपको क्या करना है, जो भी नॉर्मल पानी आप देते हो सादा पानी पीने के लिए वो पानी फिर आपको पीने के लिए देना है। बस आपको एक बात का ध्यान देना है, कोई भी टाइप्स का मेडिसिन वगैरह आपको नहीं चलाना है अगले 24 घंटे तक। जब दोस्तों 24 घंटा पार हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद किस किस मेडिसिन का या फिर कौन कौन सा मेडिसिन ऐसा है जिसका इस्तेमाल मुर्गी में किया जाता है। तो दोस्तों बस आज का था ये एक छोटा सा वीडियो, वैक्सीनेशन करने के टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों का शेयर जरूर कर देना, और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलेंगे कभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा जय किसान।